जानकारी चाहिए कि इस पैसे को परिवर्तित बजट में क्यों शामिल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से ये पूछना चाहूंगी कि केंद्र में हमारी सरकार होने पर भी क्या आपकी गत सरकार सीएसएस संबंधी घोषणाएं नहीं करती थी? हमारी सरकार तो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से समर्पित है। माननीय सदस्य को ये जानकारी होनी चाहिए कि सदैव ही केंद्र सरकार से विभिन्न केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं अथवा जो राशि संचित निधि के माध्यम से आती है, वह राज्य के आय व्यय अनुमानों में सम्मिलित रहती है। हमारे रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा ये टिप्पणी की कि ये बजट चुनावी बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराती हूँ कि इनके बजट जरूर चुनावी होते होंगे। शुरू के वर्षों में तो जनता के कल्याण के लिए धरातल पर कोई योजना का कार्य किया ही नहीं, परंतु अंतिम वर्ष में चुनावों को देखते हुए लोक लुभावन योजनाओं की थोथी घोषणाएं कर वोटों पर राजनीति से प्रेरित होकर आम जन के को गुमराह करने का जरूर इन्होंने काम किया। हमने तो पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच रखते हुए हर क्षेत्र के लिए प्लान बनाकर ये कार्य किया है, बजट बनाया है। एक लॉन्ग टर्म बजट है, ये सिर्फ एक साल का बजट नहीं है, सिर्फ ये भी नहीं है कि ये पाँच साल का बजट है, ये विकसित राजस्थान का बजट, 2047 के राजस्थान का बजट है, एक विजनरी बजट है। और इसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर ये इतना अच्छा बजट बनाया, जिसका पूरा लाभ प्रदेश की जनता को हमारे इसी कार्यकाल में मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे इसी कार्यकाल में शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी, सिर्फ घोषणाएं नहीं जो आपने की। अब मैं फिस्कल स्थिति के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। डेट एंड अदर लायबिलिटीज, ऋण एवं अन्य उत्तरदायित्व, गत कांग्रेस सरकार द्वारा की गई रैशनल एवं थोती बजट घोषणाओं तथा अनप्रोडक्टिव व्यय के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य के ऋण एवं अन्य दायित्व हमारी गत सरकार के कार्यकाल वर्ष 2017-18 के दुगने से अधिक बढ़कर 5,70,646 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि गत कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के प्रथम 6 से अधिक दशकों में लिए गए ऋण से भी अधिक ऋण केवल 5 वर्ष में ही ले लिया। सोचिए तो सही, इसके परिणाम स्वरूप राज्य के ब्याज भुगतान में अत्यधिक वृद्धि हो गई और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य को डेब्ट के भंवर में फंसा दिया। क्या करें, बिल्कुल अच्छा नहीं, प्रदेश की जनता के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भगवत गीता तथा रैदास जी के कर्म प्रधान निष्काम कर्म की अवधारणा को आत्मसात करने वाली हमारी सरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हम फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पर अग्रसर हैं। जहां हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33.77% था, वही चार्वाक को अपना आदर्श मानकर ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो की सोच एवं पांच सितारा होटल के बंद कमरों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने वाली गत सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल डेट टू जीएसडीपी रेशियो 37.34% तक पहुंचा दिया। अब वो होटल रूम्स के होटल का खर्चा तो देना ही था ना, महीनों तक बंद, कोरोना से जूझ रही थी, कोविड से जूझ रही थी राजस्थान की जनता और आप होटलों में बंद थे, क्या करें, अब सरकार को तो बचाना जरूरी था ना आपके लिए। हमारे द्वारा अब हमारे द्वारा
अपने प्रथम पूर्ण बजट में ही डेट टू जीएसडीपी रेशियो में कमी करते हुए इसे 35.97% तक सीमित रखने का प्रयास किया है तथा हम इसी पथ पर चलने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे अत्यधिक अचरज हुआ कि जिस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री में संवादहीनता हो, बात ही नहीं करते हो, उप मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़े, उस पार्टी के अग्रणी नेता लक्ष्मणगढ़ से आने वाले हमारे माननीय विधायक हमारी सरकार में संवाद की स्थिति तथा कोऑर्डिनेशन को लेकर झूठी चिंता व्यक्त करते हैं। आप हमारी चिंता ना करें, आप तो अभी भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो अभी भी सब लोग वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारे हमें अपने काम पे छोड़े, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। उन्हें अभी से ही हमारी इस डबल इंजन की सरकार में राज्य एवं केंद्र के अच्छे रिश्ते, आपको तो इससे भी समस्या हो रही है कि अब इनको तो कोई समस्या होगी नहीं, ये तो सारे ही वित्तीय संसाधन केंद्र से भी ले आएंगे, वहां से भी इनको बहुत सहयोग मिलेगा। तो आपकी चिंता समझ में आती है, बिल्कुल है, सही है। आप लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर बहुत संघर्ष किया, अब क्या करें। हम लोग तो काम करने आए हैं, राजस्थान की जनता ने अवसर दिया। उन सहित विपक्ष के सभी माननीय विधायकगण से अनुरोध व अपेक्षा करूंगी कि वे ऐसी निर्थक बातों में समय जाया ना करें, प्रदेश की जनता के कल्याण में हमारा सहयोग करने का प्रयास करें। अभी तो उन्हें लोकतंत्र में कई सालों तक जनता विपक्ष की ही भूमिका देने वाली है। बहुत सालों तक आप लोग तो अब इसी की आदत डाल लीजिए विपक्ष में बैठने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को भी कर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने की दिशा में कहना चाहूंगी कि ज्ञान के प्रकाश में सत्य की राह पर धर्म की ध्वजा लिए कर्म का संकल्प लो, जीवन के संग्राम में इच्छाओं का दाह कर दृढ़ता का ढोल के लिए कर्म का संकल्प लो। आप अपनी बात कीजिए ना, आपने क्या किया 5 साल? काश ये सारी बातें, चिंताएं जो आपने सबके डिबेट में आप लोगों ने अपनी चिंताएं रखी, वही चिंताएं आप जब आपकी सरकार थी तब रखते, तो वो सुझाव देते, है ना? तब मानने वाला भी कोई नहीं था और सुनने वाला नहीं था, मानने वाला नहीं था, क्या करें। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा राज्य के टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ऑटोमेशन के साथ ही फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था प्रारंभ किए जाने से ट्रांसपेरेंसी आने के साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि होनी सुनिश्चित है। विपक्ष के माननीय सदस्यों में ने राज्य में जीएसटी संग्रहण के बारे में भी संशय व्यक्त किया है। जैसे कि सर्वविदित है कि जीएसटी एक कर प्रणाली पर आधारित इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है। प्रारंभिक वर्षों में केंद्र द्वारा राज्य में राजस्व वृद्धि 14% से कम होने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति भी की गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अप्रैल में संपूर्ण देश के साथ ही हमारे विशेष प्रयासों से राज्य में भी जीएसटी का सर्वाधिक कलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही राज्य में हुए कुल उत्पादन से देश में प्राप्त जीएसटी की ग्रोथ भी सर्वाधिक रही है। साथ ही प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट द्वारा भी राजस्व बढ़ाते हुए हम प्रदेश की जनता से किए अपने सभी वायदे पूरे करेंगे। हमारे द्वारा अल्प समय में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए
यथा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी एवं मींस एंड वेज एंड मींस एडवांस के अतिरिक्त कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को भी हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024 में सब्सक्राइब किया गया। इसके फलस्वरूप राज्य को बाजार दर से 40% कम ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। साथ ही ब्याज दर कम होने से राज्य सरकार पर ब्याज भुगतान का दायित्व भी कम रहेगा। इससे एक और राज्य की विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। वहीं दूसरी ओर ट्रेजरी बिल्स में निवेश से इंटरेस्ट के रूप में आय की प्राप्ति हो रही है। हमारे इस कुशल प्रबंधन से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 150 करोड़ रुपए की बजट की बचत अपेक्षित है। इस तरह हमारी सरकार दीर्घकालीन डेट के संबंध में होलिस्टिक एवं पर्सपेक्टिव प्लानिंग के आधार पर समुचित कदम उठा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के एडहॉक फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग डेट ट्रैप की स्थिति में आ गई थी। इन्होंने वही छोड़ा हमारे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ये बजट भी तैयार किया गया है। वित्तीय संसाधन भी सारे उपलब्ध होंगे और काम भी बहुत अच्छा। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि डबल इंजन की हमारी सरकार के प्रयासों से प्रदेश को केंद्र सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि गत वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त हो सकी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को इसी गत वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ रुपए केंद्र से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ ही राज्य के विकास में भी तेजी आएगी। राजकोषीय घाटा, वर्ष 2017-18 में हम राजकोषीय घाटे को 3.04% के स्तर पर छोड़कर गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में इसको अनियंत्रित रूप से बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके फलस्वरूप 2023-24 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 4.26% तक पहुंच गया। हमने हमारे परिवर्तित अनुमानों में राजकोषीय घाटे को पुनः कम करते हुए 3.93% के स्तर पर लाने का प्रयास किया है। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने इस वर्ष भी राजकोषीय घाटे को FRBM द्वारा निर्धारित सीमा में रखा है तथा भविष्य में भी हम इसे FRBM सीमा में ही रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गवर्नमेंट गारंटीज, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने गवर्नमेंट गारंटीज की स्थिति के संबंध में चिंता व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013-14 के अंत में कुल बकाया राजकीय आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट गारंटीज 85,911 करोड़ रुपए थी, जो हमारी गत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2018-19 में घटकर 70,430 करोड़ रुपए रह गई थी। परंतु कांग्रेस सरकार द्वारा इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से राजकीय गारंटीज जारी की गई एवं 31 दिसंबर 2023 को बकाया राजकीय गारंटीज 5 साल में ही 50% से भी अधिक बढ़कर 1,08,328 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई। हमारी सरकार राजकीय पर सोच अलग है, विजन अलग है। हमारी सरकार राजकीय गारंटीज FRBM द्वारा निर्धारित सीमा में ही देने के साथ अल्टरनेट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस संबंध में हम वर्ल्ड बैंक एवं ADB जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रोथ स्टेट राज्य सकल घरेलू उत्पाद
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के द्वारा अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2023 तक GSDP की वृद्धि दर जो कि 11.58% थी, वह मार्च 2024 में बढ़कर 12.56% हो गई है। इसी प्रकार मैं सदन के सामने ये तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में GSDP में औसत वृद्धि दर 11.02% रही थी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के एक्शन प्लान के दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में GSDP में वर्ष 2024-25 के लिए 16.53% वृद्धि दर का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। आप आंकड़े बता रहे थे तो मैं भी कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। नेता प्रतिपक्ष ने सुना ना, सुना नहीं, काम की बात सुनी नहीं आपने। बिल्कुल पूंजीगत व्यय, ये सर्वविदित तथ्य है कि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अधिक राशि व्यय किए जाने से राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलने, GSDP में वृद्धि होने, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होने, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होने के साथ ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। हमारी सरकार के गत कार्यकाल में औसत पूंजीगत व्यय नेट बोरोइंग का 61.52% था, लेकिन कांग्रेस सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एवं ऋण के का उपयोग थोती बजट घोषणाओं तथा अनप्रोडक्टिव राजस्व व्यय में किए जाने के परिणाम स्वरूप औसतन पूंजीगत व्यय नेट बोरोइंग का 41.61% तक गिर गया। माने सदस्यों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अब हम इसे 63.13% तक लाकर गाड़ी को पटरी पर लेके आएंगे। हमारी गत सरकार के कार्यकाल में जहां एवरेज कैपिटल आउटले GSDP का 2.54% था, वहीं कांग्रेस की रेवड़ी कल्चर के चलते वर्ष 2023-24 तक यह 1.75% के स्तर तक गिर गया। हमारी सरकार ने आधारभूत संरचनाओं एवं पूंजीगत कार्यों कैपिटल आउटले हेतु वर्ष 2024-25 में प्रावधान को बढ़ाकर 44,216 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कि GSDP का 2.48% है। सेक्टर वाइज एनालिसिस, सेक्टर वाइज खर्च का विश्लेषण। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए समावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिससे हमारा प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में तो आएगा ही, पर वंचित वर्गों के चेहरों पर भी मुस्कान आएगी। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान विभिन्न सेक्टर्स पर अपनी अपनी राय दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुख्य सेक्टर्स पर अपनी बात कहना चाहूंगी। वर्ष 2018-19 में योजनाओं का कुल प्रावधान 1,07,865 करोड़ रुपए रखा था, जो वर्ष 2023-24 में 1,84,312 करोड़ हुआ। इस प्रकार 5 वर्षों में केवल 76,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जबकि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 में 209,634 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस प्रकार हमारी सरकार ने केवल 1 वर्ष में ही 25,000 करोड़ की वृद्धि प्रस्तावित की है। हमारी सरकार ने सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, जिसके अंतर्गत मूलभूत सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं पेयजल इत्यादि आती हैं,
में वर्ष 2024-25 में स्कीम एक्सपेंडिचर में 18% की वृद्धि प्रस्तावित की है। मैं माननीय सदस्यों को कुछ प्रमुख क्षेत्रों में हमारे द्वारा की जा रही वृद्धि के बारे में अवगत कराना चाहूंगी। सड़कें 1655 करोड़ रुपए, पेयजल 3496 करोड़ रुपए, सिंचाई 2277 करोड़ रुपए, ऊर्जा 4490 करोड़ रुपए, चिकित्सा 3647 करोड़ रुपए, शिक्षा 7064 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा व अन्य 4581 करोड़ रुपए, कृषि बजट 7600 करोड़ रुपए से अधिक। कृषि एवं पशुपालन, हमारी सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को समृद्ध बनाकर विकसित एवं खुशहाल राजस्थान का अपना का सपना साकार करेगी तथा हम उन्नत कृषि खुशहाल किसान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार कांग्रेस की तरह तथ्यहीन थोथी घोषणाओं की बजाय किसानों को सभी तरह से संबल देने का प्रयास कर रही है। हमारे द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कृषक कल्याण एवं कृषि विकास हेतु 96,787 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। 96,787 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान रखा है जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 23-24 में किए गए प्रावधान से लगभग 7,600 करोड़ रुपए अधिक है। आप मुझे आंकड़े गिना रहे थे, मैं भी आपको कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगी। आपके आंकड़े पता नहीं कहां से आप लेके आए थे। किसान साथियों को सिंचाई हेतु जल की पर्याप्त उपलब्धता रहे इसके लिए हमने दीर्घकालीन योजना के तहत राजस्थान इंटीग्रेटेड वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ कर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य किए जाने का लक्ष्य लिया है। मैं यहाँ पिछली सरकार के बारे में कहना चाहूँगी कि कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं, वह बैठे बैठे मगर कश्तियाँ बनाते रहते थे। जल जीवन जैसी केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन आप यहाँ राजस्थान में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए पूरी तरह से, और उसके बारे में और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बहुत कुछ कहने को है। और आप बात करते हैं कि राजस्थान में पानी के बारे में सोचना चाहिए, हमारी सरकार ने कुछ ही महीनों में पानी में इतने बड़े काम किए, लेकिन आपको तो एक्सेप्ट करना नहीं है ना। हाँ, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो कि परंपरा के विपरीत जाकर मेरे द्वारा पढ़े जा रहे बजट भाषण के दौरान कृषि बजट पर बोलने से पहले ही किसानों को के मुद्दों पर टिप्पणी कर रहे थे। मैंने तो कृषि बजट शुरू ही नहीं किया था, पूरा कृषि बजट था, कई पेजेस का बजट था। किसानों के लिए हम सब संवेदनशील हैं, उन्हें मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि वादे के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जून 2024 को टोंक से किसान सम्मान निधि की प्रथम किश्त के रूप में ₹66 लाख किसान भाइयों को DBT के माध्यम से किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त राशि 650 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार है जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान में के इतिहास में ये पहली बार है
जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की, जिनका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम्स का निस्तारण किया गया तथा 9000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। माननीय सदस्य, कांग्रेस सरकार, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, कांग्रेस सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने के लिए पशुओं के बीमा के ढोल तो बहुत बजाए, लेकिन अपने कार्यकाल में एक भी पशु का बीमा नहीं करवाया। एक भी पशु का बीमा आप मानते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल माननीय सदस्य एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे एक्सेप्ट करते जाइए, हम क्या करें। हमने न केवल दुधारू पशुओं, गाय भैंस ही नहीं, बल्कि अन्य पशुओं, भेड़ बकरी ऊंट को शामिल करते हुए पशुधन बीमा का दायरा भी बढ़ाया है। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा गरीब किसानों के संबंध में चिंता व्यक्त की, उस संबंध में मैंने मेरे बजट भाषण में भी यही कहा कि आपके मिसमैनेजमेंट के कारण किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। अच्छा है आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो सही, अच्छी बात है, बहुत जरूरी, लेकिन ये स्वीकार हो नहीं, आप कर रहे हैं ना सपोर्ट, अरे आप मेरी हर बात पे सहमति, अरे आप ही माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य आपके लोग कर रहे हैं, माननीय सदस्य सबसे ज्यादा तो आप मेरी हर बात पे सहमति प्रदान कर रहे हैं, हर बात को अग्री कर रहे हैं। सदस्य, अच्छा है अपने आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो, लेकिन इस अरे माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य नो बैठिए, माननीय सदस्य, लेकिन ये स्वीकार, माननीय सदस्य सीमा क्रॉस कर रहे हो, लेकिन माननीय सदस्य सीमा क्रॉस कर रहे हो, बहुत ही विलंब से आई, लेकिन चलो आई तो सही, स्वीकार तो सही, सीमाओं का उल्लंघन मत करो माननीय सदस्य, टीम से आने वाले क्या कर रहे हो, फिर सीमाओं का उल्लंघन करोगे नाम लूंगा। टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को जो फसली ऋण मुफ्त ब्याज कर दिया जाता था, हमने तो उसमें भी कटौती कर दी। माननीय सदस्य का ये सरासर झूठ तथ्य है, ये बिल्कुल सही नहीं है, आपने ये जो बात रखी है ये तथ्यों के विपरीत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमने पिछले वर्ष से अल्पकालीन फसली ऋण की राशि में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए अनुदान का भी प्रावधान किया है। साथ ही हमने पशुपालक साथियों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी प्रारंभ की है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने पानी के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हुए ईआरसीपी सहित प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजनाओं को अटकाने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने अल्प समय में ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में ईआरसीपी के लिए केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश के साथ MOU कर प्रथम चरण हेतु कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं। शेखावटी अंचल के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए यमुना जल समझौते के तहत केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया जा चुका है।
ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार एवं सुधार। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल बिजली की खरीद पर ही ध्यान दिया गया। राज्य में स्वयं के प्लांट्स की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ये तो अब भी मानेंगे कि आपकी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में एक भी पावर जनरेशन प्लांट की स्थापना नहीं हुई और आप सोलर ऊर्जा की बात करते हैं और ये भी सबको विदित है, ये भी सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से अब राज्य 33,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही गत सरकार के समय पूर्व से संचालित प्लांट्स का पीएलएफ भी मात्र 55.10% है परसेंट रहा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही राज्य के प्लांट्स की क्षमता के उपयोग पर पूर्ण ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पीएलएफ 70.32% हो गया है। हमारी गत भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार की उदय योजना को राज्य में वर्ष 2015 से लागू कर विद्युत कंपनियों के बकाया ऋणों की 65% 62,422 करोड़ रुपए अधिग्रहित टेकओवर पर विद्युत कंपनियों का ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल टर्नअराउंड किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में डिस्कॉम्स राशि 2,607 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में थी। तत्पश्चात कांग्रेस सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में अदूरदर्शी नीतियों के फल स्वरूप प्रदेश की डिस्कॉम्स एवं ऊर्जा क्षेत्र को अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। इसी का परिणाम रहा कि वर्ष 2020-21 से डिस्कॉम्स पुनः घाटे की स्थिति में आ गए और दिसंबर 2023 तक डिस्कॉम्स का अक्यूमुलेटेड लॉस राशि 1,01,215 करोड़ रुपए व बकाया ऋण राशि 91,767 करोड़ रुपए हमें विरासत में मिले। इतना घाटा। हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार द्वारा विगत कुछ समय में ही इस संबंध में केंद्र सरकार के विभिन्न पीएसयू से एमओयू किए जाकर उनको धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे राज्य में सबको निर्बाध बिजली मिल सकेगी और साथ ही डिस्कॉम्स की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखने की श्रृंखला में बायतू से आने वाले सदस्य ने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लगने वाले विद्युत शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त कर दी गई। यह मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ कि इसमें कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लगने वाले विद्युत शुल्क को समाप्त नहीं किया गया है, मात्र कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन वाले भाग पर लगने वाले विद्युत शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को ही समाप्त किया गया है। लगता है माननीय सदस्य ने पूर्व में ध्यान से पूरी बात नहीं सुनी हो, सुनी भी नहीं आप लोगों ने, पढ़ी भी नहीं, जो मर्जी आया आप बोलते गए। बोलने के लिए बोलना पड़ता है, समझ में आता है बोलना ही, विपक्ष है आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को दिन के समय 2 बार बिजली, आज मुझे मजबूरन बाहर निकालने के लिए कहना पड़ेगा, मिस्टर बोरा माइंड यू, तीसरी बार कह रहा हूं और अब की बार यदि इस तरह किया तो मैं तुरंत बाहर भेजने का मजबूर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को दिन के समय 2 बार बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई, परंतु उस पर अमल नहीं किया गया और वह कागजी घोषणा बनकर रह गई।
मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम 2027 तक किसान भाइयों को दिन के समय भी बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जेनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। रिसर्जेंट राजस्थान कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किए गए रिसर्जेंट राजस्थान की नकल करते हुए इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 आयोजित की गई, जिसमें केवल थोती चर्चाएं की गई, कुछ ग्रुप्स कंपनी से एमओयू किए गए, परंतु इन एमओयू पर केवल कागजी कार्रवाई हुई, कोई एमओयू धरातल पर नहीं आया। कांग्रेस की सरकार सदा से ही मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम करती है। आप बहुत सारी घोषणाएं करते, बहुत किए आपने, सपने भी दिखाए, ये सारे समिट्स के नाटक भी किए, लेकिन काम क्या किया? यही कारण है कि आज सब लोग रो रहे हैं। सड़कों की हालत तो मैंने देखी है, क्या हालत करके छोड़ गया। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बोलेंगे तो पता नहीं क्या आप लोगों ने कर दिया, जाते जाते तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए नई लैंड पॉलिसी लागू की है, जिससे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होने के साथ ही पर्यावरण में भी सुधार होगा। साथ ही हमने प्रदेश में बड़े उद्योगों के साथ ही एमएसएमई को बढ़ावा देने का कार्य प्रारंभ से ही शुरू कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे आम जनता के जीवन से जुड़े संवेदनशील विषय पर भी विपक्ष द्वारा जनता को ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि हमारे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य योजनाओं को बंद किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर कार्य करते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं को और अधिक बेहतर कर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना माँ योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक पैकेज एवं अन्य पैकेजेस का रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। इसी क्रम में हम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही विस्तार के लिए भी प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पहला पूर्ण बजट में ही नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक कुल व्यय का 8.26% राशि 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो गत सरकार के 5 वर्षों के औसत से लगभग 1.5% अधिक है। जनजाति क्षेत्र विकास टीएसपी एरिया डेवलपमेंट, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा जनजाति क्षेत्र टीएसपी एरिया में निवासरत हमारे जनजाति के भाई बहनों के लिए चिंता करते हुए कहा कि नरेगा में टीएसपी एरिया में हमारी सरकार ने 125 दिन मजदूरी के दिए थे, लेकिन आपकी सरकार के बनते ही उसको आपने 100 दिन कर दिया। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि यह बिल्कुल तथ्यहीन बात है। आज भी राज्य के एसटी बहुल्य 8 जिलों की 47 पंचायत समितियों के जॉब कार्ड होल्डर परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने के उपरांत 50 अतिरिक्त दिवसों का रोजगार राज्य मद से उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार जनजाति क्षेत्र के विकास तथा वहां निवास करने वाले परिवारों की खुशहाली के लिए संवेदनशील है। इसी क्रम में हमारे द्वारा गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना भी प्रारंभ की जा रही है।
पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको ये विदित है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले पूरा देश पॉलिसी पैरालिसिस से जूझ रहा था। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विभिन्न स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उदाहरण स्वरूप टैक्स रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आदि लाने के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्राप्त हुई है। हमारी सरकार द्वारा भी इस नीति का अनुसरण करते हुए इस बजट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, यूथ पॉलिसी, स्टेट स्किल पॉलिसी, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, राजनिवेश पॉलिसी इत्यादि नई नीतियां लाकर सुधार सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, हमें जल्द से जल्द गुलामी की मानसिकता और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को समाप्त कर नए आत्मविश्वास से भरे नए भारत की स्थापना करनी है। इसके अनुस्वरूप मैं उन्होंने आज के समय में अनुपयोगी हो चुके पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर उनके स्थान पर नवीन न्यायिक विधियों को लागू करवाया है। हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। नए कानूनों में पीड़ित को जल्द न्याय उपलब्ध कराने और दोषी के स्थान पर पुनर्वास की भावना को प्रधानता दी गई है। साथ ही महिलाओं, बच्चों तथा ग्रामीणों के हितों को बढ़ावा देने के प्रावधानों को भी शामिल किया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी नकारात्मक सोच तो रखते ही हैं, साथ ही आमजन की श्रद्धा से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। बजट पर बहस के दौरान कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी आदत के अनुसार धार्मिक स्थानों पर विकास कार्य करवाने की गत सरकार की कागजी घोषणा का ढोल बजाते हुए हमारे द्वारा वास्तव में जनता की आस्था को मूलभूत देने के प्रयासों पर बेमतलब की टिप्पणी की है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, आप लोगों ने घोषणाएं की है, चाहे हम मंदिरों की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात, घोषणाएं की, बहुत सारी बातें की, लेकिन अगेन धरातल पर कुछ नहीं उतरा। और मंदिरों की बात की कि क्यों इस मंदिर में इतना क्यों दिया जा रहा है, उस मंदिर में क्यों दिया जा रहा है, और हमने इतना दिया था। वास्तविकता ये है कि आपने दिया पता नहीं क्या था, आपने सिर्फ बोला था, लेकिन जो काम धरातल पे हुआ है वो बिल्कुल उतना नहीं हुआ, नाम मात्र काम हुआ है, और कई जगहों पे तो कुछ भी काम नहीं। मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को उनकी खुशहाली के साथ ही उनके श्रद्धा स्थलों के विकास के लिए भी आश्वस्त करती हूँ। हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रथम पूर्ण बजट राज्य को विकसित राज्य बनाने की दूरगामी सोच के साथ प्रस्तुत किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार पहले साल से ही धरातल पर प्रदेश हित में काम कर रही है। मैं प्रदेश की जनता को सदन के माध्यम से यह आश्वस्त करती हूँ कि हम यहाँ सेवा के लिए हैं और सर्वजन हिताय के भाव को केंद्र बिंदु मानकर 12 दिसंबर 2023 अर्थात सरकार गठन के पहले दिन से ही राज्य के विकास में जो जी जान से जुट गए हैं, और हमारा ये ध्येय है कि प्रदेश के विकास में कोई कमी कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जितने वायदे किए, घोषणाएं किए, उनसे उससे अधिक काम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं नवीन घोषणाएं प्रस्तावित कर रही हूं। आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सुनिए, जनगणना 2011 के आधार पर निर्धारित आबादी के 1000 से अधिक राजस्व गांवों को डामर सड़क से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि से
विभिन्न सड़क निर्माण कार्य 2 वर्षों में करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन सड़क कार्यों की सूची में सदन के पटल पर